हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपने अपने घरों में गीज़र में देखा होगा, पर शायद कभी ये आइडिया ना रहा हो कि ये असल में है क्या। बेसिकली ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि थोड़ा हाई ट्रेंड गीज़र्स जो आते हैं, जो थोड़ा महंगे गीज़र्स आते हैं या ब्रांडेड गीज़र्स की बात कर लें, उनमें आपको ये लगा हुआ दिखता है। बेसिकली ये इसको कहते हैं ELCB, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या होता है कि ये जो है घर में, जैसे नॉर्मली इंडियन होम्स में बहुत सारे आज भी ऐसे घर हैं जिनके घर में अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग ना होने के कारण क्या होता है कि कभी अगर किसी भी कारण आपके अप्लायंस में या आपके किसी भी प्रोडक्ट में करंट लीक हो गया, लीक का मतलब कोई वायर अंदर टच हो गया या किसी भी कारण से उसकी बॉडी में, प्रोडक्ट की, किसी भी अप्लायंस की, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपका माइक्रोवेव हो, चाहे एसी हो, ओवन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, सभी में जो है कहीं पर भी अगर करंट लीक होता है तो उससे क्या ख़तरा होता है कि वो हमारे हाथों में या हमारी बॉडी में करंट उसका उतर सकता है, जिसकी वजह से बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में अर्थिंग ज़रूर कराएं। अगर अर्थिंग नहीं है तो कोशिश करें कि उसको जितना जल्द से जल्द हो सके कि घर में अर्थिंग आप करा लें। इसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये जनरली एक ऐसा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस, जो ELCB है। अगर घर में अर्थिंग नहीं है, घर में अगर अर्थिंग आपके नहीं है तो भी ये आपके गीज़र में, ख़ासकर में ये गीज़र में देखने को मिलता है, गीज़र को आपके या आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। जैसे कि गीज़र, क्योंकि जब हम बाथरूम में हो रहे होते हैं तो हमारा बदन जो है वो गीला होता है, हम नंगे पांव होते हैं, तो उस वक्त करंट लगने का ख़तरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर किसी भी कारण गीज़र में करंट आ गया और वो हमारे घर के नल में या पानी में आने लगा, तो उस वक्त जो है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। तो ये सेफ्टी डिवाइस क्या करता है कि ये इसमें जो तीसरा वायर आता है आपके गीज़र में से, पर जो गीज़र है आपका, गीज़र में से जो तीसरा वायर ग्रीन वाला होता है वो इसके अंदर कनेक्टेड होता है। किसी भी कारण, किसी भी रीज़न से अगर गीज़र के अंदर, बॉडी के अंदर करंट आ जाता है जो कि आपके नल में उतर सकता है, तो वो करंट पहले इसमें आता है, अर्थिंग लीक होती है तो ELCB में आती है। ELCB में जैसे ही ये डिटेक्ट करता है कि अर्थिंग लीक हो रही है, वैसे ही ये पावर सप्लाई को कट कर देता है। पावर सप्लाई को कट करने का मतलब ये है कि आपके गीज़र में जो भी करंट जा रहा है उसको ये रोक देता है यहीं पे, ताकि आगे करंट पास ना हो और किसी भी तरह का जो खतरा है, जो डेंजर है, उससे आप बचे रह सकें। तो ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी डिवाइस है और ज़्यादातर आपको गीज़र्स में देखने को मिलता है। ब्रांडेड गीज़र्स हैं, जैसे हेवल्स में है, उषा में है, और भी बजाज में भी आपको मे बी हाई एंड गीज़र्स में देखने को मिल जाएगा। अगर ये लगा है आपके गीज़र में तो हो सकता हो गीज़र थोड़ा महंगा हो, लेकिन पैसे को ना देखें। मेरा मशवरा, मेरी राय आपके लिए यही है कि आप ये डिवाइस अगर गीज़र में लगा है तो आप इस डिवाइस के साथ गीज़र को ज़रूर लें। मे बी 700-800 रुपये या 500 रुपये गीज़र महंगा पड़ेगा, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसी तरह नॉर्मली अगर घर में अर्थिंग नहीं है तो मेन लाइन में भी ELCB का कनेक्शन आप कर सकते हैं। ELCB मेन लाइन में भी लगा सकते हैं कि डायरेक्टली आपके घर की पूरी अर्थिंग को भी कनेक्ट कर देता है वो। मान लीजिए कि जैसे नॉर्मली फ्रिज है या ओवन है, या घर में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें किसी भी कारण करंट अगर लीक हो गया, अंदर कोई तार टच हो गया, कोई तार कट गया है जो बॉडी से टच हो रहा है, तो वो ELCB तुरंत ट्रिप हो जाएगी, मतलब आपके घर की लाइट जो है वो काट देगा, कट कर देगा। तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके घर की लाइट जो है वो कट हो जाए, तो मेरी सजेशन सभी को ये है कि आप अपने घर में अर्थिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत ही सेफ रहेंगे आप, आपकी फैमिली, जो कि बहुत ही बेसिकली आपकी फैमिली जो है वो काफ़ी आपके लिए बहुत ही प्यारी है। और मैं यही कहूँगा कि घर में अर्थिंग ज़रूर कराएं। और ये गीज़र में अगर आपको मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा भी पड़ रहा है, तो मेरी राय ये है कि इसको भी आप ज़रूर लें। इस ये जो ELCB लगा हुआ गीज़र हो, इसको आप ज़रूर लें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।